हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अर्को और आप देख रहे हो हाईटेक ब्रो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको ऐसा पांच फोन बताने वाला हूं जो कि गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, वो भी 20,000 रुपीज़ के अंदर में। सो पूरा लिस्ट जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हम लोग का चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप लोग हम लोग का नोटिफिकेशन स्क्वाड में ज्वाइन हो सके। और अगर आप लोग पेटीएम कैश जीतना चाहते हो तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर आप लोग चेक कीजिए, उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लोग लकी हुए तो आप लोग भी पेटीएम कैश जीत सकते हो। जो फिफ्थ फ़ोन हम लोग का लिस्ट में आता है उसका नाम है Realme X। Realme X एक बहुत ही अच्छा फ़ोन माना जाता है गेमिंग के लिए क्योंकि एक वेलकम स्नैपड्रैगन 710 CPU के साथ आता है और एड्रेनो 616 GPU के साथ आता है जो कि इसको बहुत ही अच्छा बना देता है गेमिंग के लिए। इसका डिस्प्ले का बात करते हैं तो 6.5 इंच का इसका फुल HD+ डिस्प्ले लेकर आता है और एमोलेड डिस्प्ले है और ये पूरा नॉच फ्री डिस्प्ले है। और गेमिंग परफॉर्मेंस के अलावा आप अगर मूवी देखना पसंद करते हो या वीडियो अच्छे से देखना चाहते हो तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छे से दिखाएगा क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें आप लोग को 3765 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है जिससे कि आप 20W फास्ट चार्जिंग के साथ बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हो। कैमरा का बात करें तो इसमें दो कैमरा आप लोग को देखने को मिलता है, एक है 48MP का और एक है 5MP का। 48MP इसका प्राइमरी कैमरा है और 5MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। और फ्रंट कैमरा का बात करें तो 16MP का फ्रंट कैमरा के साथ ये आता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर जो फ़ोन हम लोग का लिस्ट में आता है उसका नाम है Realme XT। Realme XT 20,000 का अंदर सिर्फ एक अच्छा गेमिंग फ़ोन ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन भी है। इस फ़ोन का जो बेस वेरियंट है उसका प्राइस 16,000 का अराउंड है और इसमें आप लोग को स्नैपड्रैगन 712 2.6 GHz प्रोसेसर ये फ़ोन कैरी करता है जो कि अगेन आप लोगों को स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस दे देता है। और ये एड्रेनो 616 GPU के साथ आता है। डिफरेंट वेरिएंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये फ़ोन का, 4GB 6GB 8GB जैसे जितना वेरिएंट्स है सब 20,000 के अंदर ही आ जाता है। ये फ़ोन ऑल ओवर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसका डिस्प्ले का बात करें तो ये 6.4 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले भी है। इसका कैमरा का बात करें तो ये क्वाड कैमरा का सेटअप लेके आता है जो कि 64MP इसका प्राइमरी कैमरा है, उसके बाद 8MP अल्ट्रा वाइड के लिए और 2MP डेप्थ सेंसिंग और एक 2MP जो है मैक्रो लेंस के लिए। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये 16MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है। और इसका बैटरी भी काफ़ी अच्छा है, 4000mAh बैटरी के साथ आता है। उसके साथ 20W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये जो कि आप लोग का फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देता है। जो फ़ोन थर्ड नंबर पे हम लोग का लिस्ट में आता है उसका नाम है Vivo Z1 Pro। बहुत ही अच्छा है गेमिंग फ़ोन है, स्पेशली जो लोग पबजी खेलना बहुत पसंद करता है वो लोग के लिए ये फ़ोन बना है। प्रोसेसर का अगर बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 712 के ऊपर बना हुआ है और एड्रेनो 612 GPU के साथ आता है। और ये फ़ोन को 2019 में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फ़ोन माना जाता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है और ये फ़ोन काफ़ी बड़ा बैटरी के साथ आता है जो कि 5000mAh है और 18W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है इसमें। अगर इसका कैमरा का बात करते हैं 16+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को इसमें आप लोग को मिल जाता है। और अगर फ्रंट कैमरा का बात करें 32 MP का आप लोग को फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वीवो का कैमरा के बारे में कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को पता ही है वीवो और ओप्पो का कैमरा तो बहुत अच्छा ही होता है। हम लोग का लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो फ़ोन आता है वो Xiaomi की तरफ से आता है, इसका नाम है Redmi K20। Redmi K20 Pro इससे और भी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है लेकिन वो 24 से 25,000 के अंदर आता है। लेकिन 20,000 बजट के अंदर आप लोग को Redmi K20 मिल जाता है जो कि प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है। Redmi K20 को 20,000 के अंदर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाला फ़ोन माना जाता है। गेमिंग का बात करते हैं तो ये फ़ोन बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में भी क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 730 से पावर्ड है तो जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि पुराना 710 प्रोसेसर जो अदर डिवाइस में था 710 712 प्रोसेसर से 35% ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ये फ़ोन का डिस्प्ले का बात करें ये फ़ोन 6.39 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है और एमोलेड डिस्प्ले है और प्लस इसका डिस्प्ले नॉचलेस भी है, मतलब कुछ भी नॉच आपको देखने को नहीं मिलता है जो कि ये फ़ोन का लुक्स और गेमिंग परफॉर्मेंस को और अच्छा बना देता है। अगर इसका बैटरी का बात करें तो ये 4000mAh का बैटरी के साथ आता है और 18W या 20W का फास्ट चार्जिंग के साथ भी ये आता है। इसका कैमरा का बात करें तो ये ट्रिपल कैमरा का सेटअप लेकर आता है जो कि 48+13+8 MP का है। और इसका सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये 20 MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है। ऑल ओवर परफॉर्मेंस ये फ़ोन का बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग को बहुत ही अच्छा फ़ोन लेना है 20,000 के अंदर तो ये फ़ोन ज़रूर प्रेफर कीजिए। गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज हम लोग का लिस्ट में जो नंबर 1 पे आता है फ़ोन वो भी Xiaomi की तरफ से आता है और वो है Poco F1। Poco F1 हालांकि बहुत ही पुराना हो गया है, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी पुराना जैसा है, वाटर ड्रॉप नॉच या नॉचलेस डिस्प्ले ज़्यादा देखने को मिलता है अभी, लेकिन फिर भी गेमिंग वाइज ये फ़ोन नंबर 1 पे ही रहेगा 20,000 के अंदर। अभी इसका प्राइस भी बहुत ड्रॉप हो चुका है, 15,000 के अराउंड हो चुका है। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 845 के साथ आता है
जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। ये फ़ोन आपको 6 GB और 8 GB रैम वेरियंट में मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है गेमिंग फ़ोन के लिए। बहुत ही कम प्राइस में ये फ़ोन अभी मिल रहा है। जितना भी फ़ोन के बारे में मैंने बताया लिस्ट में, बेस्ट बाय लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग खरीद सकते हो। इस फ़ोन का डिस्प्ले का बात करें, ये फ़ोन 6.18 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसका कैमरा का बात करें तो सिर्फ डुअल कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है 12 MP प्लस 5 MP, और फ्रंट कैमरा का बात करें तो 20 MP का फ्रंट कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन 4000 mAh जैसा बड़ा बैटरी के साथ भी आता है। गेमिंग के लिए आप लोग को फ़ोन चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, लेकिन आप लोग परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन लेना है तो आप लोग Xiaomi का फ़ैन हो तो 20,000 के अंदर रेडमी K20 बहुत ही बेस्ट फ़ोन है। अगर आप लोग रियलमी भी पसंद करते हो तो रियलमी XT 20,000 के अंदर बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखा जाए तो। सो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट लगता है, या कोई फ़ोन छूट गया तो वो भी आप लोग हम लोग को बता सकते हो कमेंट में लिख के। और हम लोग का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दीजिए, ताकि हम लोग जब भी वीडियोज़ अपलोड करें तो आप लोग को भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग पेटीएम कैश जीतना चाहते हो तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर आप लोग चेक कीजिए, उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लोग लकी हुए तो आप लोग भी पेटीएम कैश जीत सकते हो। सो इतना ही था दोस्तों वीडियो में फिलहाल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।